गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करना है, मतलब आपका एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और आपको गूगल एड्स की वजह से कुछ मनी आपके एडसेंस अकाउंट में जमा हो रहा है जिसको आप बैंक में लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। तो गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है मैं फुल डिटेल में आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। तो वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहना एंड वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओके, तो मैं सिंपली मेरा क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपका जिस जीमेल एड्रेस में एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है सिंपली उस जीमेल एड्रेस की मदद से यहाँ पर लॉगिन कर लेना। ओके, अगर आपको मालूम नहीं है कि कैसे जीमेल एड्रेस चेंज करना है तो मैं एक अलग वीडियो ऑलरेडी इस चैनल में डाल चुका हूँ, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, सिंपली आप वहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले आप आपका जीमेल एड्रेस को ठीक तरीके से चेंज कर लेना। ओके, कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है गूगल एडसेंस। ओके, तो मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ। देखो मैंने गूगल एडसेंस लिख के सर्च कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपली आपको ए वाला वेबसाइट में जाना है। देखो https://www.google.com और यहाँ पर दिखाई दे रहा है गूगल एडसेंस। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपका पेजेस लोडिंग लेगा एंड आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। ओके, तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। तो देखो मेरा पेज यहाँ पर लोडिंग ले चुका है और मेरे सामने यहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आप एक काम करना, यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक कर लेने के बाद आप सिंपली डेस्कटॉप मोड में कर लेना। ओके, तो मैं सिंपली थ्री डॉट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर उठा के डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ। ओके, तो डेस्कटॉप मोड में कर लेने के बाद ओके यहाँ पर सब कुछ आपको डिटेल में दिखाई दे रहा है और देखो मेरे यहाँ पर $52 हो चुका है। ओके, मतलब टोटल $100 अगर हो जाएगा तब पेमेंट मिलेगा। तो मैं अभी बैंक अकाउंट को लिंक कर लूँगा। ओके, तो लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर थ्री लाइन्स मिलेगा, सिंपली इस थ्री लाइन्स पर क्लिक कर लेना। ओके, तो मैं सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। थ्री लाइन्स पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको अब जूमअप करूँगा, यहाँ पर आपके सामने एक पेमेंट्स वाला सब सेक्शन दिखाई देगा। सिंपली इस पेमेंट वाला सेक्शन में मैं क्लिक कर लेता हूँ। पेमेंट वाला सेक्शन में क्लिक कर लेने के बाद आपका पेज फिर से लोडिंग लेगा। ओके, मैं देखो मेरा पेज लोडिंग ले रहा है। और देखो आपके सामने एक इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड पेमेंट मेथड। ओके, तो आप सिंपली ये वाला ऑप्शन ढूंढ लेना कहाँ पर लिखा हुआ है और सिंपली ये वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना होगा। तो मैं सिंपली ऐड पेमेंट मेथड वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। ओके, क्लिक कर लेने के बाद फिर से मेरे सामने एक नया पेज ओपन होगा। देखो मेरा पेज लोडिंग ले रहा है और देखो यहाँ पर आपको आपका डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या कहाँ पर भरना होगा, उसके बाद मैं खुद भर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेनिफिशियरी आईडी, ये ऑप्शनल है, ठीक है, इसको आपको भरना नहीं होगा, आपका काम है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, नेम ऑन बैंक अकाउंट, मतलब आपके बैंक अकाउंट में जो वाला नाम आपका है वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। ओके, उसके बाद बैंक नेम, जैसे कि हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, कनाडा बैंक, यूनाइटेड बैंक। ओके, तो आपका जो वाला बैंक है सिंपली उस बैंक का नाम लिख देना यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड डाल देना। ओके, तो देखो उसके बाद आपका यहाँ पर स्विफ्ट BIC कोड दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये स्विफ्ट BIC कोड आपके ब्रांच में, अगर आप ब्रांच मैनेजर से बात करोगे तो आपको स्विफ्ट BIC कोड दे देगा। ओके, तो सिंपली अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली ब्रांच मैनेजर से बात करके स्विफ्ट BIC कोड ले लेना। आप सिंपली ब्रांच मैनेजर को बताना कि मैं इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन में काम कर रहा हूँ जिसके वजह से मुझे एक स्विफ्ट BIC कोड चाहिए। ओके, तो अगर आप आपका ब्रांच मैनेजर से बात करोगे तो ब्रांच मैनेजर सिंपली आपको एक पेजेस में स्विफ्ट BIC कोड लिख के दे देगा। ओके, उसके बाद दिखाई दे रहा है कि अकाउंट नंबर। ओके, सिंपली आपका बैंक अकाउंट नंबर डाल देना, उसके बाद री टाइप अकाउंट नंबर। ओके, फिर से उस अकाउंट नंबर को दोहरा देना। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें भरता हूँ। ओके,
तो देखो यहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल में भर चुका हूँ ओके, लेकिन मैं खुद का डिटेल्स आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी का मामला है ओके। उसके बाद यहाँ पर टिक मार ऑटोमेटिकली दिया हुआ रहेगा, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर लेना होगा। तो मैं सिंपली क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि उसके बाद मेरे सामने कौन सा पेजेस आता है ओके। तो देखो मैंने जैसे ही सेव बटन में क्लिक कर दिया, मेरा पेज लोडिंग ले रहा है और मेरे सामने नया पेज ओपन होगा ठीक है। तो देखो मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट ओके, मेरा अकाउंट का लास्ट 3 डिजिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओके। तो यही था प्रोसेस बैंक अकाउंट को लिंक करने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फुल डिटेल में पता लग चुका है कि कैसे SBI मतलब कुछ भी बैंक अकाउंट को आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में लिंक करना है। अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद हेल्प मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी, बी गुड टू गुड सेलेब्रिटी विल फॉलो।